हाय फ्रेंड्स, रैंकर्स अड्डा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे बायोलॉजी के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप तैयारी करते हैं जनरल कंपटीशन या अदर भी किसी भी कंपटीशन का, जैसे RPF, SSC, GD या बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो होने वाला है, या किसी भी अदर जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो आप अपना तैयारी देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। यदि आप इस 10 प्रश्न में से 8 का आंसर दे पाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत हद तक अच्छी है, और नहीं तो लगभग और पढ़ाई करनी पड़ेगी जीके के लिए, खास करके बायोलॉजी के लिए। तो आज हम देखते हैं 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और पूरे 10 क्वेश्चन हम कर लेंगे, फिर आंसर हम इसका लास्ट में एक PDF में दे देंगे। लास्ट में इसका हम आंसर दे देंगे सब क्वेश्चन होने के बाद, तो आप वहाँ से इसको मिला सकते हैं या कॉपी में अपने राइट डाउन कर सकते हैं। फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी गैस दांत उखाड़ने में उपयोगी है? निम्न में से कौन सी गैस दांत उखाड़ने में उपयोगी है? ऑप्शन नंबर ए CH4, ऑप्शन नंबर बी N2O, ऑप्शन सी N2, ऑप्शन डी H2O2। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दें और बताएं कि आप कितना सही किए। सेकंड नंबर क्वेश्चन। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए न्यूरोलॉजी, बी पेंटोलॉजी, सी ऑन्कोलॉजी, डी ओडेंटोलॉजी। तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। क्लोरोमाइसिटिन है। ऑप्शन ए एंटीसेप्टिक, ऑप्शन बी एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी एंटी डिपर्जेंट, ऑप्शन डी एंटीबैक्टीरियल। इन चारों में से कौन है? क्लोरोमाइसिटिन है, इनमें से कौन है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितनी दांतें निकलती है? मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितनी दांतें निकलती है? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 52। तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम इस सारे क्वेश्चन का आंसर लास्ट में दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 5। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गोल्जीकाय, ऑप्शन बी न्यूक्लियोलस, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आगे हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? ऑप्शन ए परमेलिया, ऑप्शन बी रोसेला, ऑप्शन सी इडोकार्पन, ऑप्शन डी कैलेडोनिया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7। मूलांकुर मतलब कि रेडिकल से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं? मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। ऑप्शन ए तंतुमय मूल, ऑप्शन बी मूसला जड़ें, ऑप्शन सी श्वसन मूल, ऑप्शन डी आरोही मूल।
क्वेश्चन नंबर 8, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 7.4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8.4। तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें बताएं कि आपका कितना सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वप्रथम वायरस की खोज किसने की? सर्वप्रथम वायरस की खोज किसने की? ऑप्शन ए स्टॉकमैन, ऑप्शन बी इवानोवस्की, ऑप्शन सी स्टेनले, ऑप्शन डी स्मिथ। और आज क्या देखते हैं लास्ट प्रश्न, मतलब कि 10 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। बीसीजी प्रतिरक्षक होता है, बीसीजी प्रतिरक्षक होता है किसके लिए? ऑप्शन ए खसरा के लिए, ऑप्शन बी टीवी के लिए, सी कुष्ठ रोग के लिए, ऑप्शन डी डिफ्थीरिया के लिए। तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें बताएं कि आपका कितना सही हुआ, अब कितना क्वेश्चन सही कर पाए, जिससे आपकी तैयारी का पता चले। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहे पर डे। और इस 10 क्वेश्चन का आंसर ये रहा, आप इसे मिला सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ और कितना आप सही कर पाए, आपकी तैयारी कैसी है, सब हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और लोगों को भी बेनिफिट हो सके इससे। और फिर हम मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।